गैस स्टोव पर लो फ्लेम करते ही बंद हो जाता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो आप आसानी से चुटकी में कर सकते हैं ठीक घर बैठे ही। जी हाँ, खुद से ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो गैस स्टोव है इसमें हम आग दे रहे हैं और ये अभी हाई फ्लेम पर है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका हम अगर लो फ्लेम करेंगे तो ये देख सकते हैं बंद हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरह से करना है ठीक, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको सिलेंडर से इस तरह से इसको यहाँ पर बंद कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है सिलेंडर से सबसे पहले बंद कर लेना है, उसके बाद गैस स्टोव को इस तरह से उल्टा करके इसके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद सबसे पहले हमें इस बर्नर को जो है खोलना है। तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम खोलेंगे तो ये जो बर्नर है ये खुल जाएगा। बर्नर को निकाल दिया है और ये बर्नर बाहर आ चुका है। और अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्विच है, इस स्विच के ठीक नीचे आपको यहाँ पे हम स्विच को इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक स्विच को घुमाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक स्क्रू नजर आएगा, छोटा एक स्क्रू यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो स्क्रू है हमें इसको खोलना है। तो इस तरह से हमें छोटा एक स्क्रू टेबल लेना है और ये जो स्क्रू है, ये जो हमने आपको दिखाया है, इस स्क्रू को हमें खोलना है। स्क्रू हमारा खुल रहा है तो इसमें इसको खुलने में थोड़ा आपको तकलीफ हो सकती है, बस आपको इसको खोलना है। ये जो स्क्रू है हमारा बाहर आ चुका है और अब हम ऊपर से आपको यहाँ पे इस स्विच को यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्विच हमारा बाहर आ चुका है और इसमें आपको स्प्रिंग नजर आए। अभी यहाँ पर एक स्प्रिंग भी है, इसको भी आपको संभाल के रखना है। और ये जो है, ये जो बल्ब है देख सकते हैं, ये जो स्विच बल्ब है इसमें प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर ये जो हमने स्विच बल्ब को निकाल लिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दो कनेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बड़ा होल है ये हमारा हाई फ्लेम के लिए होता है और यहाँ पर ये एक देख सकते हैं इसमें इसके अंदर एक छोटा होल होता है, ये हमारा लो फ्लेम के लिए होता है। तो इसके अंदर जब कचरा वगैरह आ जाता है तो हमारा लो फ्लेम में गैस स्टोव जो है बंद हो जाता है। तो हमें इसको साफ़ करना है। इसको साफ़ करने के लिए हमें इस तरह से एक इलेक्ट्रिक कॉपर वायर लेना है और इसका एक वायर अलग कर लेना है। अलग करके इसकी जो ये होल है इसके अंदर घुसा के इस तरह से आपको मारना है। ये होल को आपको इस तरह से साफ करके देना है, बस यही काम आपको करना है। अगर आपका गैस स्टोव लो फ्लेम में आकर बंद हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं होल के अंदर वायर चला गया है, तो इसका हम इस तरह से पूरा साफ कर लेंगे। तो अब आगे से भी इस तरह से वायर को डाल के पूरा साफ कर लेना है और यहाँ से आपको बस यही होल आपको साफ कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसको लगाने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा ऑयल डाल के लगाना है ताकि आपका स्विच जाम ना हो। अगर आपका स्विच जाम हो जाए तो इसमें ऑयल डाल के ऊपर लगा देना है तो फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑयल थोड़ा लगा दिया है, तो आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑयल यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑयल लगाने से क्या होगा, तो आपका स्विच अगर जाम रहेगा तो फ्री हो जाएगा। तो इसको हमने काट जो है इसको नीचे की तरफ डाल के अंदर दे दिया है। अब स्प्रिंग को डाल देंगे और उसके बाद ये जो हमारा स्विच है इसको हम डाल देंगे यहाँ पर थ्रेड वाला जैसे से साइड। तो थ्रेड वाला साइड इस काट की जगह आपको लगाना है, काट की तरफ रख के यहाँ पर दबा के नीचे से आपको यहाँ पर ये थ्रेड जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो स्क्रू हमने खोला है तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, डाल के इसको टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर से। और हम जिस तरह से इसको खोला है ऊपर की तरफ आप स्विच को इस तरह से प्रेशर लगा के रखना है तो आपका टाइट हो जाएगा। तो ये आपका होल में जाएगा और ये आपका टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको टाइट कर देंगे, टाइट हो चुका है। और अब हम बर्नर को जो है यहाँ पर लगा देंगे जिस तरह से खोला है, बस यही चीज़ आपको करना है। अब हम गैस स्टोव को यहाँ पर सीधा कर लेते हैं और आपके सामने अभी दिखाएंगे इसका जो लो फ्लेम में बंद होने का जो प्रॉब्लम था ये बिल्कुल इसका दूर हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर सिलेंडर को कर लेंगे ऑन और इसको चालू करके देखेंगे इसका जो प्रॉब्लम था ये दूर हुआ है कि नहीं। तो इसको हम कर लेते हैं ऑन और अभी जब हम स्टोव को देते हैं आग, तो यहाँ पर हमने स्टोव को आग दे दिया है और यहाँ पे ये अभी हाई फ्लेम पे है और हम इसको लो करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये अभी बंद नहीं हो रहा है, इसका जो प्रॉब्लम था ये बिल्कुल दूर हो चुका है। हम लाइट में दिखा रहे हैं तो आप उसके लिए नज़र नहीं आ रहा है। तो ये देख सकते हैं इसकी जो प्रॉब्लम था ये बिल्कुल दूर हो चुका है। ये अगर ये गैस स्टोव में लो फ्लेम का प्रॉब्लम होता है तो इसकी ही स्विच में दो कनेक्शन रहता है जैसा कि हमने दिखाया है, एक होता है हमारा हाई फ्लेम का और एक होता है लो फ्लेम का। तो ये लो फ्लेम का अलग होता है होल और हाई फ्लेम का अलग होता है। तो ये ज़्यादातर लो फ्लेम का जो होल है ये हमारा जाम हो जाता है, उसके बाद ही हमारा गैस स्टोव में इस तरह की प्रॉब्लम करता है। तो इसमें देख सकते हैं अभी इसमें बिल्कुल हमारा ओके है, इसमें भी हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है देख सकते हैं। तो इसमें हमारा ओके हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल NSE Electric को भी फॉलो कर देना।